नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार बुझाई मित्र पर। काफ़ी लोग हैं जिनको कि BSTC का रिफंड नहीं मिला है 2023 का, तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम आई वो अगर वो जानना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि आप देखें तो लगभग 90% जो पेमेंट है BSTC 2023 का वो सभी लोगों को प्राप्त हो चुका है, और इसका जो पेमेंट है कुछ लोगों के अटक गया है, तो उसका क्या कारण है वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। इसके अलावा कमेंट करके बताएं कि आपका पेमेंट आ गया है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है डिलेट 2023, फर्स्ट वाली जो साइट है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखें तो आप ऑफिसर लॉगिन पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपके जो BSTC के ID पासवर्ड है वो लगाकर आपको लॉगिन कर लेना है। तो ये पुराना पासवर्ड यहाँ पर काम करने वाला है जो 2023 में आपने बनाया था। जैसे आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन होंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर रिफंड, तो उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका ये पूरा जो डैशबोर्ड है आप देख सकते हैं ऑफिशियल साइट पर, और यहाँ पर आप देखें तो अप्लाई फॉर रिफंड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई फॉर रिफंड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखें तो स्टेटस ओपन बता रहा है, यू हैव ऑलरेडी सबमिट बैंक डिटेल और स्कैन इमेज इज़ नॉट क्लियर। यहाँ पर जो भी रीज़न है पेमेंट रुकने का वो आपको बता देगा। आपको वापस से बैंक आना है, यहाँ पर आपको एडिट एंड व्यू पर क्लिक करना है, जो डायरी आपने अपलोड की थी उसके आपको क्लिक करना है। पासबुक जो भी चेक आपने किया है ये आप देख सकते हैं पूरी बिल्कुल ब्लर है, तो इस कारण से इसमें जो रिफ़ंड है वो रुक गया है। तो आप भी अपना चेक कर सकते हैं, इसमें बहुत ही जल्द एडिटिंग का भी ऑप्शन खुलेगा, उसमें आपको नई डायरी अपलोड कर देनी है। जो भी आपके रीज़न आ रहा है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ।